अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साले और आज मैं आप लोगों को कोरियन वायरल मास्क बनाना सिखाऊंगी फॉर ड्राई स्किन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोजब और आज मैं आप लोगों को कोरियन वायरल मास्क बनाना सिखाऊंगी फॉर ऑयली स्किन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ड्राई स्किन के लिए आपको इसमें चाहिए होगा दूध और हनी, उसके साथ 1 स्पून आपने हनी ऐड कर देना और इसमें आपने चावलों का आटा ऐड करना है। वन स्पून अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स करना। अगर आपके पास बकरी का दूध है तो वेल एंड गुड, वो भी आप यूज़ करते हैं। गोल्ड ड्राई मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले मिल्क नहीं यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन वाले करेंगे। हनी इसमें ऐड है और उसके अलावा राइस पाउडर, चावलों का आटा। ऑफिस जाने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए सुबह की आप लोगों को सरगोशियाँ, चिड़ियों की आवाज़, इर्द गिर्द का साउंड, खामोशी फील हो रहा होगा, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये मास्क शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा कॉलीग्स होते हैं जिनकी ऑयली स्किन, पिम्पल्स आए होते हैं, तो वो यही रीज़न होते हैं कि क्लेंजिंग नहीं करनी, स्क्रबिंग नहीं करनी, ये रेमेडी मास्क ना यूज़ करने की वजह से स्किन डैमेज होती जाती है, जिसकी वजह से मसले आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ड्राई एंड ऑयली स्किन दोनों के बता दूं, ताकि आप लोगों को मसला फेस ना करना पड़े। तो आप लोगों ने अपने फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है 2 to 3 मिनट के लिए जेंटली। स्क्रबिंग जब आपकी डन हो जाए फिर उसके बाद आप लोगों ने 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना। स्किन वालों में ये है कि आप लोगों ने सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, चावलों का आटा, ठीक है, और उसके बाद हनी, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून ही चावलों का आटा और टमाटो। अगर आप लोगों के पास ग्राइंडेड फॉर्म में है तो वो डालें इसकी प्यूरी, ठीक है, नहीं तो आप टमाटो के स्लाइस पे लगा के भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिनकी स्किन ड्राई है और सिर्फ टी जोन एरिया पे ऑयल आता है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप उस एरिया पे ड्राई स्किन वालों की रेमेडी अप्लाई कर, अपने बाकी फेस पे ड्राई स्किन वाली रेमेडी अप्लाई करें और टी जोन पे ऑयली स्किन वाली। सेम ड्राई स्किन वाला फार्मूला आपने 2-3 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है, टमाटो से या टमाटो की प्यूरी ऐड करके कर लें और फर्दर 10 मिनट्स रख के आप फेस वॉश कर लें। दूध से आप लोगों को पिंपल आ सकता है, इस वजह से हमने इसमें ऐड नहीं किया, ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं।